हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास थर्ड, हमारा परवेश का पार्ट 9, पानी अनमोल है। मैं पानी हूँ, मुझे सभी जानते हैं, मेरा प्रयोग सभी लोग करते हैं। मैं कुछ लोगों को आसानी से उपलब्ध हूँ, कुछ लोगों को कठिनाई से मिलता हूँ। मुझे पाने के लिए कुछ लोग को दूर दूर तक जाना पड़ता है। इन दोनों सब लोग मेरी कमी होने की चर्चा करते हैं। मैं सोचता हूँ मेरी कमी हुई कैसे। काफ़ी सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि जो लोग मेरा प्रयोग करते हैं वे ही मेरा दुरुपयोग भी करते हैं। अगर आपको यह पता है कि पानी आपके जीवन के लिए उपयोगी है तो क्या आप इसका ऐसे ही दुरुपयोग करते रहेंगे? अगर आप अभी भी सचेत नहीं होंगे तो भविष्य में और भी मुश्किलें आने वाली हैं। आप सभी का जीवन में मेरे बिना संभव नहीं है, इसलिए मेरा संरक्षण करना आप सभी का पहला कर्तव्य है। आप अपने साथियों के साथ चर्चा कर सकते हैं कि पानी क्यों दुखी है, पानी हमें किस बारे में सचेत कर रहा है। पानी की उपयोगिता। हम सब पानी का उपयोग प्रतिदिन करते हैं। पानी पीते हैं, उससे कपड़े धुलते हैं, नहाते हैं, खाना पकाते हैं, बर्तनों की सफाई करते हैं, घर की सफाई भी करते हैं। चित्र देखकर लिखो पानी का उपयोग किन किन कार्यों में हो रहा है। कोई सब्जी धो रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई पानी से सफाई कर रहा है, कोई नहा रहा है, कोई पौधों में पानी डाल रहा है। ऐसे ही आप अपनी कॉपी में लिखें। पानी हम सबके लिए आवश्यक है, कोई भी पानी बिना जीवित नहीं रह सकता। हमारी तरह पशु पक्षियों को भी पानी की आवश्यकता होती है, बिना पानी के वे जीवित नहीं रह सकते। क्या तुम पशु पक्षियों को पानी पिलाते हो? अगर हाँ तो क्या, तो किसे और कैसे? अपनी कॉपी में लिखें। साथियों से चर्चा करें, पेड़ पौधे किन कारणों से सूखते हैं? यदि पेड़ पौधों को पानी ना मिले तो क्या होगा? पेड़ पौधों के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है, बिना पानी के पेड़ पौधे का विकास नहीं हो पाता। लगातार पानी की कमी से पेड़ पौधे सूख भी जाते हैं। बिन पानी सब सून। गर्मी का मौसम है, गाँव के तालाब सूख गए हैं, हैंडपंप में भी पानी बहुत कम आ रहा है। ऐसे में पूरे गाँव में पानी की समस्या हो गई है। गाँव के लोगों को पानी दूर से लाना पड़ रहा है। आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए सभी लोगों ने मिलकर पानी की समस्या को दूर करने का उपाय सोचा। सबने मिलकर गाँव के तालाबों को साफ करवाया, उन्हें गहरा करवाया, साथ ही हैंडपंप भी ठीक करवाए। इससे आगे चलकर उनकी पानी की कमी की समस्या दूर हो गई। चर्चा करिए कि तुम्हारे गांव में पानी कहां कहां से मिलता है, तालाब का पानी कब सूख जाता है या कब कम हो जाता है, तुम्हारे स्कूल में हैंडपंप में पानी कब कम हो जाता है, तालाब या स्कूल के हैंडपंप में पानी की कमी हो जाने पर तुम क्या क्या परेशानी होती है, पानी की कमी ना होने हो इसके लिए तुम क्या क्या उपाय कर सकते हो। अब हम पानी की बचत कैसे कर सकते हैं, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। नहाते समय, कपड़ा धुलते समय, बर्तन धोते समय, जानवरों को नहलाते समय, घर की साफ सफाई करते समय, हम अपने दैनिक कार्यों में आवश्यकता अनुसार पानी का प्रयोग करके पानी की बचत कर सकते हैं। आइए अब अभ्यास प्रश्न करते हैं। पानी का उपयोग हम किन किन कार्यों में करते हैं? खाने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, पीने के लिए हम लोग पानी का प्रयोग करते हैं। पशु पक्षियों को पानी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो पशु पक्षियों को पानी की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि वे पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। पानी हमें क्यों बचाना चाहिए? पानी हमें इसलिए बचाना चाहिए कि कहीं भविष्य में हमें मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। हम पानी किस किस प्रकार से बचा सकते हैं? हम दैनिक कार्यों में आवश्यकता अनुसार पानी की बचत कर सकते हैं। ऐसे जीव का नाम जो पानी से बाहर निकलने पर जीवित नहीं रह सकता, तो वो है मछली। ऐसे खेलों के नाम जो पानी में ही खेले जा सकते हैं, जैसे कि नौका दौड़, तैराकी इत्यादि।
सब्सक्राइब प्लीज, वन लाइक प्लीज फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़।